हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर वीडियो सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी अभी आई सी एम आर ने साइंटिस बी ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम कंडक्ट किया है आई एल बी शेयरिंग द क्वेश्चन विच हैिंग और विच हैव अपियर इन दिस टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट मैंने भी दिया था तो आई एल बी आई हैव गि दिस टेस्ट टूडे इन द मॉर्निंग सेशन इट वबाउट नाइन टू टेन ट्वेंटी ए एम सो जो भी क्वेश्चन मुझे याद हैं आई एल आई हैव रिमेम्बर्ड दम एंड आई एल ट्राई टू कवर एज मैनी क्वेश्चन एज मच पॉसिबल फॉर मी सो दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प द फ्यूचर कैंडिडेट्स और फ्यूचर स्टूडेंट्स फ्यूचर साइंटिस्ट बी एस्पेरेंट्स टू चेक और टू एनालाइज वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड इन योर आई सी एम आर साइंटिस बी क्वेश्चन और एग्जाम पेपर सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स बिगिन सो जो पहला क्वेश्चन मुझे याद है इट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वैलिन अमाइनो एसिड सो वैलिन एक अमाइनो एसिड है तो क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें वैलिन अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कोडोन रिस्पॉन्सिबल है सो बेसिकली वहाँ पर सारे ऑप्शन मुझे याद नहीं है बट इप्शन जो मुझे याद है वो जो करेक्ट ऑप्शन था वो जी यू यू था बेसिकली वैलीन के लिए जो भी अमाइनो एसिड जो भी कोडोन सिंथिस करता है दे ऑलवेज स्टार्ट विथ जी यू सो कोई भी आपका जो कोडोन है विच इज स्टार्टिंग विद जी यू इज़ विल कोड फॉर योर वैली न माइनव एसिड तो वहाँ पर एक ऑप्शन था जी यू तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट था उसके बाद दूसरे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके मुझे ऑप्शन याद नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन थे एक ऑप्शन मुझे याद था इसमें ग्लूकोज था तो ग्लूकोज तो इसका आंसर नहीं था बट बाकी ऑप्शन मुझे याद नहीं है तो दिस इस वीडियो में मुझे ऑप्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का याद नहीं बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चन देखो टोटल एट्टी क्वेश्चन थे जिसमें से सिक्सटी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड थे और ट्वेंटी आपके आपके एप्टीट्यूड और आपका जनरल अवेयरनेस और ये सब चीज़ों को मिला के ट्वेंटी क्वेश्चन थे तो इसके ये क्वेश्चन हो गया कि जिसमें आपको पता करना था कि इन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ योर विच वन इज़ योर नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर अगले क्वेश्चन पे आते हैं वो पूछा था उन्होंने व्हाट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एन एडल्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ डब्ल्यू एच ओ अब इसमें एक ट्रिक उन्होंने एक जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली हीमोग्लोबिन कॉन्सनट्रेशन वो पर डेसीटर पढ़ते हैं बट इन्होंने पूछे हुए थे पर एम में सो so, ऑप्शनस उनके थे दस ग्यारह बारह और पंद्रह मेरे ख्याल से बट जहाँ तक मुझे याद था जो नॉर्मल वुमेन में अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इट वॉज एलेवन बट उन्होंने फिर कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट दी हुई थी वो पर एम में दी हुई थी तो मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया कि जो ये सब वैल्यू जो इलेवन होती है इट इज़ पर डेसीटर और वो मेरे को कन्वर्ट करके इलेवन ऑप्शन नहीं आ रहा था तो मैंने ये ऑप्शन अटैम्प्ट नहीं किया ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है वो है ओकजा के फ्रैगमेंट्स आर रिलेटेड टू और आर एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस इसमें आपके पास ऑप्शन थे डी एन ए सिंथेसिस आर एंड ए सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सो ऑब्वियसली ओकाजा के फ्रेगमेंट इज डी एन ए मल्टीप्लीकेशन और डी एन ए सिंथेसिस के प्रोसेस में आपका ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं ये तो सभी को पता है उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि फोटी फाइव एक्स ओ कैरियोटाइप इज एसोशिएटेड विद विच सिंड्रोम अब इसमें ऑप्शन थे आपके पास टर्नर सिंड्रोम आपका क्लिनफिनटर सिंड्रोम और आपका दो ऑप्शन और थे आई डोंट रिमेम्बर दो ऑप्शन सो ये भी मुझे आता नहीं था आई आई वॉज फॉरगेटफुल ये मुझे याद ही नहीं आया कि फोर्टी फाइव एक्सो जो कैरियोटाइप है वो कौन से सिंड्रोम से रिलेटेड है उसके बाद एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉल्फिनस के फिनस ह्यूमन्स के लिम और बर्ड्स के विंग है दे आर विच काइंड ऑफ ऑर्गन्स लाइक एनोलोगस ऑर्गन्स हैं या होमोलोगस ऑर्गन्स हैं तो बेसिकली सिंस डॉल्फिन लिम्स दे ऑल दे ऑल हैव द सेम ओरिजिन बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन तो दे आर बेसिकली एनालोगस ऑर्गन्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डी एन एड ट्रांसफर वाई अ बैक्टीरियो फेज इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन इसमें भी ऑप्शन थे आपके पास कि आपको उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं या आपको कॉन्जुगेशन बोलते हैं ये ऑप्शन इसमें सिर्फ ट्रांसडक्शन ऑप्शन सही था उसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन याद है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड उसमें चार पाँच ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे मिथियोनिन था साइटोसिन था Uh, इसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि आपको नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है वैलिन भी था उसमें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ हनी ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्वेश्चन कि, कि किसी को भी नहीं मेरे ख्याल से तो किसी को भी नहीं पता होगा कि हंड्रेड ग्राम्स ऑफ हनी में कितनी कैलरीज होती हैं तो एक अजीब सा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको बट हो सता है किसी फूड साइंसेस वाले इन बंदे को पता हो कि एक हंड्रेड ग्राम्स ऑफ फैनी की बॉटल में कितने कैलोरीज होते हैं बट एक नॉर्मल आदमी को जनरली नहीं पता होता अनलेस एंड एंटिल वो कोई डाइटिशियन है या कोई डाइट फॉलो कर रहा है उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सेलैनियम इज प्रेजेंट इन विच एंजाइम इसमें आपके पास चार पाँच एंजाइम दिए हुए थे काइमोट्रिप्सिन वगैरह इसमें आपको सेलेक्ट करना था कि सेलैनियम इसमें से किस में प्रेजेंट है ये क्वेश्चन हो गया उसके बाद, बाद, बाद पूछा था ट्री हेलोज जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है विच वो किस किस से बनी हुई है वो इसका ऑप्शन था आपके ग्लूकोज के डाइमर से बनती है इसमें आपके पास बहुत तीन चार ऑप्शन दिए हुए थे कि ट्रियलोज बेसिकली कम्पोज ऑफ गैलेक्टोज और सुक्रोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज ऐसे चार पांच ऑप्शन थे पर उसमें एक ऑप्शन था ग्लूकोज डाइमर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक प्राइमेज आर वॉट प्राइमेज बेसिकली एन्जाइम्स होते हैं जो आपके जो आपका डी एन ए रेप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें आपका मान लीजिए ये आपका एक स्टैंडर्ड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम इसमें आपकी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अगर डी एन ए सेंथिस होनी है तो आपको पहले एक आर एन ए प्राइमर चाहिए होता है क्योंकि आपका जो डी एन ए पॉलीमरीज है वो आर एन ए प्राइमर से ही शुरू करते हैं पॉलीमराइजेशन शुरू करनी तो ये प्राइमेज क्या है ये प्राइमेज इस प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके आर एन ए आ ये समझो आपके हो गए आर एन ए पॉलीमरीज लेकिन अब उसमें ऑप्शन दिए थे कि डी एन ए डिपेंडेंट है या आर एन ए डिपेंडेंट है तो ये है आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लेनो ऑफ फ्रेगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन विच एंजाइम ये आपका हो गया पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज वन उसके बाद आ गया आपका फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ जॉइंट पेंस एक्यूमोलेशन ऑफ यूरेट इन इज़ रिलेटेड टू तो विच डिजीज़ इसमें भी आपके पास चार पाँच ऑप्शन दिए थे रोमेटाइड आर्थराइटिस था एक स्केप्टिकल आर्थराइटिस था और दो ऑप्शन और ऑप्शन थे वो मुझे याद नहीं है तो मेरे हिसाब से मैंने रोमेटाइड आर्थराइटिस को सेलेक्ट किया इसमें अब उसमें एक क्वेश्चन था विच इज़ द लार्जेस्ट डब्लू अब इसमें ऑप्शन थे आपके पास लिम्फोसाइड थे न्यूट्रोफिल्स थे बेसोफिल्स थे तो अब इसमें सेलेक्ट करना था कौन सा सबसे बड़ा साइज़ का आपका डब्लू है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोलबल विटामिन उसमें दिया हुआ था कि आपका जैसे विटामिन ए लिखा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजीज लिखी हुई थी उसकी डिफिशेंसी जो डिजीज़ होती है ये आपकी होती है जेरोफिलमिया या इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और स्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ था उसमें स्कॉर्बिक एसिड की स्कर्वी डिजीज लिखी हुई थी तो इसमें आपको सेलेक्ट करना था कि फैट सॉल्युबल विटामिन का मैच उसकी डिजीज के साथ कौन सा परफेक्ट है तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल है और उसका नाम रेटिनॉल है तो रेटिनॉल के साथ लिखा हुआ था आपका ज़रफ़ थैलमिया तो रेटिनॉल और ज़ेफ थैलमिया कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना था उसके बाद एक क्वेश्चन था मीन मीडियन मोड का अब उसमें क्या हुआ था एक ट्रिक आई थी इस क्वेश्चन में कि इसमें आपका जो मीन आ रहा था वो आ रहा था आपके पास ट्वेंट ट्वेंटी नाइन आपका सम आ रहा था और टोटल आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो फिफ्टीन थी तो इट वॉज़ समथिंग अराउंड वन पॉइंट नाइन बट इसमें वन पॉइंट नाइन का कहीं ऑप्शन था ही नहीं बट उसमें थोड़ा सा ट्रिक ये थी कि आपका उसमें मोड़ दिया हुआ था मीडियम निकल सॉरी आपको उसमें या मोड़ दिया हुआ था मोड़ की वैल्यू उसमें टू दी हुई थी सारे ऑप्शन में तो आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये लगानी थी कि जब आपको मोड़ दिया हुआ है और आपका मीन जो आपकी वैल्यू आई है वो वन पॉइंट सेवन उन्होंने दिया हुआ था और एक दिए हुए था टू तो अब इसमें से दोनों वैल्यू कौन से सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने मैंने अपनी बेसिकली अपनी ट्रिक लगाई थी कि उसमें हमने मीडियन निकाल लिया मीडियन मैंने निकाला था आपका मोड़ के फॉर्मूले से मोड़ इज गर्ल टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन तो इससे क्या हो गया अब मैंने यहाँ से मीडियन निकाल लिया अब मीडियन जो एक वैल्यू आई थी वो एक ही वैल्यू आई थी और वो, वो एक ही ऑप्शन था जिसमें मोड़ टू था और मीन वन था तो मीडियम इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्लीज विच बॉन्ड अब इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपके बेसिस आपको तो ये याद है जब भी हम लोग पढ़ते हैं ये ये एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट है किसी किसी भी एंजाइम की और वो यहाँ पर आके कट करेगा और आपको दो फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे स्टिकी एंड्स मिल जाएंगे या ब्लंट एंड मिल जाएंगे डिपेंडिंग कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये मुझे याद नहीं था यह मैंने कहीं पढ़ा नहीं था कि आपका ये एक्चुअली बॉन्ड कौन सा ब्रेक करता है या तो आपका जो आपके बेसिस हैं बेसिस और शुगर के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ब्रेक करता है या शुगर का और फॉस्फेट का ब्रेक बॉन्ड करता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक करता है ये मुझे याद नहीं था तो मुझे इसमें डाउट था तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर ई इज़ करेक्ट रेस्ट्रिक्शन एग्जाम्स के बारे में चार पाँच स्टेटमेंट दिए हुए थे उसमें सेलेक्ट करना था कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है तो अब इसमें चार पाँच ऑप्शन थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइड पे ही कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल साइड कट करते हैं यानी सिंगल डी स्टैंड डी को कट नहीं करते और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका बैक्टीरिया से सिंथेसाइज करते हैं आइसोलेट करते हैं और जो है आपका एक और एक और उसमें ऑप्शन था जो मेरे हिसाब से इनकरेक्ट था कि कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका बैक्टीरिया से आइसोलेट तो कर लिया चलिए वो ऑप्शन मुझे याद नहीं था बट ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट थे इसलिए मुझे वो चौथा ऑप्शन था जो रॉन्ग लगा था तो वही मैंने उस पर टिक कर दिया उसके बाद पूछा था निक्लोसाइड क्या है निक्लोसाइड आपको पता ही है जब आपका निकलोटाइड की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट और निक्लोसाइड में आपका फॉस्फेट हट जाता है तो बेस और शुगर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था उसके बाद पूछा हुआ था ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे इसमें कि आपको कॉपी पेस्ट फंक्शन आपका एम कंप्यूटर में आप कैसे काम करते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ था कि आपको किसी वर्ड पे सिंगल क्लिक करना है उसके बाद उसको कॉपी करना है पेस्ट करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है या आपको उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है या आपने उसको ऊपर एरो घुमाकर उसको एरो ऊपर उसके ऊपर घुमा दिया और वो सेलेक्ट हो गया और उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो ऐसे ही करके चार पाँच ऑप्शन थे बट मैंने वो सेलेक्ट किया कि आपको डबल क्लिक करके उस वर्ड को सिलेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप जहाँ पे जाएँ वहाँ कर सकते हैं उसके बाद एक और ऑप्शन था एक और क्वेश्चन था उसमें कि अगर आपकी आपको किसी ने फाइल भेजी है कोई ओपन एंड सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है ओपन ऑफिस ओपन सोर्स कोड है उसका कि मतलब सबके पास अवेलेबल है तो ओपन ऑफिस वाली फाइल अगर किसी ने बनाई है तो वो एम वर्ड में खुलेगी या नहीं खुलेगी ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था आपको कि खुलेगी या नहीं खुलेगी अगर खुलेगी तो आपको उसको स्पेशल परमिशन देनी पड़ेगी राइट क्लिक करके कि एस वर्ड में खोलो या नहीं खोलो मेरे हिसाब से ओपन ऑफिस की फाइल डायरेक्टली एम वर्ड में खुल जाती है तो मैंने वही ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें आई डायरेक्टर के ऊपर कि आई के जो डायरेक्टर हैं 2015 से 2017 तक वो डायरेक्टर रही हैं और वो अब करंटली 2019 से डब्ल्यू एच ओ में साइंटिस्ट की पोजीशन पर वो काम कर रही हैं तो उसमें एक उनका ऑप्शन था सुब्रमण्यम का नाम से एक ऑप्शन था तो वो एक लेडी हैं उनका ये वाला ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना था उसके बाद कुछ आई के फैक्ट्स थे उसमें कि पूछा गया था कि आई का कौन सी इस्टेब्लिश हुआ है उसमें ये कब हुआ उसमें ये डायरेक्टर ने कब ज्वाइन किया चार पाँच स्टेटमेंट्स थे उसमें से आपको बताना था कि आपको Uh, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट था तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन उसके बाद एक क्वेश्चन था उसमें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि फ़ादर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे मतलब एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं पूछा था कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे पर उन्होंने कहा था कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत अच्छा बनाया है बट इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर यूजिंग इट इफ द पीपल हु आर यूजिंग इट कॉन्स्टिट्यूशन आर गुड देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गुड इफ द पीपल हु आर यूजिंग इट आर बैड दैन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बैड तो आपको इसमें बताना था कि आपको ये स्टेटमेंट किसने दिया था आप चार पाँच ऑप्शन थे महात्मा गांधी का जी का ऑप्शन था बी आर अम्बेडकर जी का ऑप्शन था तो मैंने ऑब्वियसली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे बी आर अम्बेडकर ही हैं तो बी आर अम्बेडकर जी का नया नाम इसमें ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया था अब इसमें एक क्वेश्चन था यूबी किनोन क्या है यूबी किनोन आपको पता है कि आपका जो ई टी एस चेन है या जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरालेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू चार कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें बीच में एक यूबिकीन का मॉलिक्यूल आता है अब आपको ये बताना था कि यूबिकीन है क्या प्रोटीन है माइनो एसिड है कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है अब मेरे हिसाब से मुझे वो प्रोटीन लगा बट मैंने आकर चेक किया तो इंटरनेट पर सब बता रहे हैं कि यूबिक्यून इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है कि मेरा ऑप्शन सही हुआ है गलत हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं और उसमें एक ऑप्शन था कि सी फोर प्लांट क्वेश्चन था कि सी फोर प्लान्ट में जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था शायद कि वो कौन है आपको आप में उसमें ऑप्शन थे फॉस्को इनऑल पी ई पी कार्बोक्सीज और रुबिस्को था तो मैंने उसमें रुबिस्को सेलेक्ट किया था अब मुझे पता नहीं है सही है गलत है मैंने अभी चेक नहीं किया है इंटरनेट पे उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे याद है कि डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टू विच ऑफ दीज ग्लूकोज प्रोटीन सामाइनो एसिड कीटोन बॉडीज ये ऑप्शन भी ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत डाउट था कि डाइटरी कार्बोहाइड्रेट था बेसिकली ग्लूकोज ही होते हैं मेरे हिसाब से तो और ग्लूकोज को ग्लूकोज में कैसे ब्रेक डाउन करें फिर ग्लूकोज से प्रोटीन में कैसे बनेगा और एक और ऑप्शन था इसमें प्रो ऐसीटाइल कोवेन्जाइमे एसिटाइल को एनजामे अब ये तो हमें पता है कि ग्लूकोज से एसिटाइल कोजाइमे बन जाएगा उससे फिर पायरुवेट का एक ऑप्शन था इसमें फिर एसिटाइल ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है फिर कीटोन बॉडीज भी बन जाती हैं लेकिन अब इसमें से अब ये समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज ही है अब चार पाँच ऑप्शन थे कि ग्लूकोज अल्टीमेटली तो पायरुवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए वो मुझे समझ नहीं आ आता तो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया उसके बाद दो तीन सवाल थे उसमें कोविड नाइन्टीन के ऊपर उसमें कुछ दो तीन ग्राफ्स दिए हुए थे कि प्रोडक्टेड वैल्यू ऑफ पॉवर्टी की ये है कि दो टू थाउजेंड नाइन्टीन में आपकी प्रोडिक्शन वैल्यू जो है अभी करंट में सॉरी जो यहाँ पर कुछ वैल्यू थी एट समथिंग और वो बोल रहे थे कि टू थाउजेंड नाइन्टीन में एट पॉइंट टू हो गई वैल्यू और ट्वेंटी ट्वेंटी में एट पॉइंट सिक्स हो जाएगी वैल्यू जो परसेंटेज uh, है ये जो पर्सन जो पीपल बिलो पॉवर्टी चले जाएंगे ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्वेंटी ट्वेंटी की वैल्यू थी तो इसमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना था बताना था कि इसमें ये वाला ऑप्शन ये ये वाली चीज़ जो मैंने वही बताई है कौन सा ऑप्शन बताता है उसमें ऑप्शन था कि कोई चेंज नहीं होगा कोई बोल रहा था एक ऑप्शन था इसमें डिक्रीज हो जाएगी तो उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था बी ऑप्शन था शायद उसमें कि आ, कि आपका ए, पहले वो आपकी जो वैल्यू है टू थाउजेंड नाइन्टीन में एट पॉइंट टू है और ट्वेंटी ट्वेंटी में वो इंक्रीज़ हो जाएगी उसके बाद एक क्वेश्चन था पाई चार्ट के ऊपर कि उसमें पाई चार्ट का डायग्राम बनाया हुआ था ऐसे करके और उसमें पूछा हुआ था कि ऐसे वाले ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं बहुत सारे दो चार ऑप्शन दिए थे पाई चार्ट का उसमें एक ऑप्शन था तो मैंने पाई चार्ट सेलेक्ट कर दिया था उसके बाद बार ग्राफ का क्वेश्चन था कि आपको पास एक बार ग्राफ दिया हुआ था और उसमें तो ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से इस वाले ग्राफ को क्या नहीं कहते हैं उसमें एक ऑप्शन था बार लाइन और एक ऑप्शन था बार ग्राफ तो बार लाइन तो उसको नहीं कहते इसको बार ग्राफ ही कहते हैं तो मैंने बार ग्राफ वाला ऑप्शन क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया था उसके बाद एक स्टैट्स का सवाल था उसमें कि आपको बेस्ड अपॉन द पेशेंट का पेशेंट का एज क्या है फिर पेशेंट की जो डायग्नोसिस है मान लीजिए लंग कैंसर की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन तो कोई और था बट मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर बता रहा हूँ कि लंग कैंसर में आप वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं स्मोकिंग नो स्मोकिंग फिर उनकी एज हो गई फिर उनकी डाइटरी हैबिट्स हो गई फिर उनका टेस्ट हो गया कि उनको अलग अलग टेस्ट से उनको क्या क्या रिज़ल्ट आया तो एक बेसिक जनरल सी टेबल बनाई हुई थी कि इस वाले टेस्ट में ये वैल्यू आ गई है इस वाले टेस्ट में ये वैल्यू आ गए ऐसे ऐसे करके टेबल फिल करी हुई थी तो उसमें पूछा गया था इस टाइप के स्टैट्स को हम क्या बोलते हैं एक इन्फ्लेंशियल ऑप्शन था एक बेसिक स्टैट्स ऑप्शन था उनको तो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इस ऑप्शन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट नहीं किया बेसिकली मेरे हिसाब से बेसिक स्टैट्स थी बट मुझे डाउट था क्योंकि इसलिए मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया ये वाला तो ये थे सारे क्वेश्चन जो मुझे याद थे अब तक के इसमें आई सी एम आर ट्वेंटी ट्वेंटी जो साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम हुआ था मुझे कोई और क्वेश्चन याद आएंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट देम तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू